गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हम यहाँ पर देखेंगे 2003 की इराक पर जो अमेरिका ने आक्रमण किया उसके बारे में यहाँ से हम देखेंगे। इराक पर आक्रमण 2003 की 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था। देखिए ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। अमरीकी अगुवाई वाले, अगुवाई का मतलब है जिसकी लीडरशिप जो है वह अमेरिका ने की थी, वाले कोअलिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश सम्मिलित थे। कुल इसमें कितने देश सम्मिलित थे, 40 देश सम्मिलित थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इराक पर हमले की उसने अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की वजह से, मतलब जो सामूहिक संहार के लिए हथियार जो इराक में बनाए जा रहे हैं उनको बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है, ये इसका एग्जैक्टली रीज़न दिया गया था, ठीक है। और इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई परिणाम नहीं मिले। देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि जो इराक है, इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले, कोई प्रूफ नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमरीका की मनपसंद सरकार का कायम करना, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में जो रीज़न थे वो क्या दिए गए थे कि जो इराक पर हमला है वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मानव संहार के हथियार बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब हमला किया गया तो यहाँ पर ऐसे कोई सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले थे, कोई प्रूफ नहीं मिले थे। इससे फिर बाद में अनुमान लगाया गया कि जो अमेरिका है, ठीक है, वो यहाँ के जो तेल भंडार हैं इराक में उन पर अपना नियंत्रण चाहती थी और अमेरिका की मनपसंद सरकार जो है वह यहाँ पर कायम करना चाहती थी, अपनी चॉइस की, अपनी पसंद की वह यहाँ पर सरकार चाहते थे। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं रहा। देखिए जब इराक पर हमला अमेरिका ने किया था तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पर जो सरकार थी वो किसकी थी, सद्दाम हुसैन की थी, ठीक है। तो चंद रोज में ही उसकी जो सरकार है वह जाती रही लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह जो है वह भड़क उठा। देखिए इराक में शांति नहीं फैली और जो इराक में अमेरिका के खिलाफ एक विद्रोह जो था वह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक जो हैं वह इस युद्ध में मरे जबकि इराक के सैनिक कहीं और ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए थे। एक अनुमान के अनुसार अमरीकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया था उसमें इराक के कितने नागरिक मारे गए थे, 50,000 नागरिक मारे गए थे। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका ने इराक पर हमला किया वह सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ देखते हैं क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, वर्चस्व क्या है। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए जिसके पास पावर है उसी की पॉलिटिक्स है, ठीक है। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रहना चाहता है। हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। देखिए हम डेली अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि कौन आदमी जो है वह ताकतवर ज़्यादा हो रहा है या ताकतवर बनने के लिए तुला हुआ है, ठीक है। विश्व राजनीति में विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अलग अलग कंट्रीज़ की जब बात करूं तो पूरी जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, विश्व जो राजनीति है उसमें मैं देखूं तो हर कोई जो है वह ताकत पाने और कायम रखने की, जो उसे ताकत मिलेगी उसे कायम रखने की वह पूरी कोशिश करता है।
यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। यह ताकत किस रूप में होती है बेटा? वो सैन्य प्रभुता हो, उसके पास सैन्य शक्ति ज़्यादा हो, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक रुतबा होना चाहिए और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए शीत युद्ध 1945 से 1991 में इसकी समाप्ति कैसे हुई थी? यूएसएसआर का सोवियत संघ का विघटन होने की वजह से दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच का ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमरीका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुवा थे और सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एक महत्तर महाशक्ति कौन बचा था? अमेरिका बचा था। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्दत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। जब देखें पूरे विश्व पर सिर्फ एक ही महाशक्ति हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक ध्रुवीय व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व कहते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखें और इस जो ताकत का सिर्फ एक ही सेंटर हो, एक ही केंद्र हो, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्चस्व कहा जाता है। शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, ठीक है, हेगमनी आप जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, हेगमनी शब्द की जड़ें जो हैं वह प्राचीन यूनान में हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से हैं? प्राचीन यूनान से हैं। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि इससे एक राज्य का नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग जो है वह प्राचीन यूनान की अन्य नगर राज्य की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। देखिए, प्राचीन यूनान की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैंने बताया जो ये शब्द है वो यहाँ वहाँ पर यूज़ किया जाता था और इस शब्द से एक राज्य के प्रभुत्व का बोध होता था और जो एथेंस था वहाँ पर वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वहाँ उसकी प्रबलता के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हेगमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तोल से है। हेगमनी की ध्वनित सैन्य पारबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही? देखिए, मैंने आपको एक लड़की के बारे में बताया था, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था उस लड़की के बारे में, ये बगदाद की छोर पर, ठीक है, आयशा नाम की लड़की के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो डॉक्टरी करना चाहती थी लेकिन अमेरिका के हमले की वजह से उसकी एक जो लेग थी वो चली गई थी। एक टांग हमले में जाती रही, यही है वह सैन्य वर्चस्व जिससे ने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर अपंग बना दिया था। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति थी। देखिए, अमेरिका की, जैसे आपके लिए आपका स्ट्रेन क्या है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है आपकी, तो उसी तरीके से जो अमेरिका की रीढ़ थी वो क्या थी? उसकी सैन्य शक्ति थी। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में है कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अमेरिका सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासन के बराबर भी नहीं है। अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसके बराबर कोई भी देश नहीं है, किसी भी देश की सैन्य शक्ति नहीं है। अमेरिका से नीचे
कि कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। अमेरिका से नीचे यदि मैं 12 देशों की बात करूं तो जो 12 देश मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं वहाँ इतना खर्चा अकेला अमेरिका ही करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य का प्रभुत्व सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेंटागन है वह अपने बजट का हिस्सा अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और विकास व प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इससे यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो अमेरिका है, अमेरिका सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी जो है वह कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ था। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक प्रक्षेप में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने के लिए, अपरोध रोक करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अपरोध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता जो है वह स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सेना की सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।